हमरे मास्टर एगो भोजपुरी का बिल्कुल नई तर्ज जोन मार्केट में बिल्कुल नया फ्लेवर आयल बा भी संकेत कैलन कैसे बा कोनो भोजपुरी का नायिका कहत बा अपने नायक से कि जब से तुझ पे हुआ दिल दीवाना है क्यों लोग मारे ताना है जब से तुझ पे हुआ दिल दीवाना है जाने मुझ पे क्यों लोग मारे ताना है मिलूंगी मैं मुसीबत को चलने दो चलने दो लड़का कहे चलने वालों को जलने दो हाँ जलने दो अपना अच्छा साथियों मैं बिरहा एवं भोजपुरी लोक गीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगातानी और आज ये हमारे बिरहा गीत का रिकॉर्डिंग हो रहल बा जवाहर फिल्म स्टूडियो रसड़ा बलिया जिला में जिनके निर्माता हैं आदरणीय कमलेश यादव जी और हमारे गुरु आदरणीय कवि सुबेदार यादव जी जिनका आशीर्वाद है। तो साथियों मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना बिरहे के रूप में लेकर आई हूं जिस घटने को आप लोगों के बीच सुनाना बेहद ही जरूरी है और आप लोगों के बेहद मांग पर मैं बिरहा के माध्यम से परोसना चाहती हूं और इस बिरहे को आप लोग सुने लाइक करें शेयर करें इस चैनल को जवाहर फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कैसा हुआ है और क्या ऐसा होना चाहिए। साथियों यही दुर्भाग्य की बात है आज देश में क्या हो रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे थे और उस उधर दूसरी तरफ आतंकवादी सब जम्मू कश्मीर में गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन यहां भूमिका के लाइन में मैं बताना चाहती हूं आपको कैसे कि आस दिल में है लाखों की श्रद्धा लिए तेरे दरबार में सर झुकाते हैं मां देश के कोने कोने से हर मां लिए
जन करने दर्शन है आते हैं माँ, तेरे आंचल में जब उनकी दुनिया लुटी, फिर न भक्ति में विश्वास रह जाएगा। अपनी शक्ति का कुछ तो प्रदर्शन करो, वरना आहत हो अरमान बह जाएगा। कहना है कि ऐ माँ, अपनी शक्ति का कुछ तो प्रदर्शन करो, वरना आहत हो अरमान बह जाएगा। ऐ बाबू, दिल में विश्वास लेकर लोग बड़ी श्रद्धा के साथ देवी देवता का दर्शन करने जाते हैं। अगर इसके बाद भी श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़े तो लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं, ये बात उस समय की है जब प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे, तो ठीक उसी समय आतंकवादी सब जम्मू कश्मीर में करते क्या है, गजल के माध्यम से कहना बा। कोई देशभक्त आशिक कहता है, इस देश के लिए अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार है, कहता है क्या, कि बहे खून मेरा, बहे खून मेरा चमन के लिए, जी भाव भी लिख ले हुन कैसे, सजग ना हुए जो वतन के लिए, सजग ना हुए जो वतन के लिए, वतन के लिए मिलेगा न पैसा कफन के लिए, मिलेगा न पैसा यहा। अरे बाबू, यही से बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल। कहानी कहाँ का बा और कैसन बा, नजम के लाइन से कहना बा, कैसे, शहर दिल्ली में, शहर दिल्ली में सौरभ गुप्ता मन गुनान किए, शहर दिल्ली में सौरभ गुप्ता मन गुनान किए, करने दर्शन वैष्णो माता का बयान किए,
राय पत्नी से लेकर आगे पग बढ़ाए, साथ में पत्नी के संग स्टेशन तब आए हैं। रहा 9 जून जम्मू कटरा पास आए हैं। कतार लंबी थी पर माँ का दर्शन पाए हैं। अरे बाबू बात के समझ ली कि दिल्ली के रहने वाले सौरभ गुप्ता जिनकी उम्र 21 वर्ष बताई गई और इसी महीने शादी भी हुई थी, नई नई शादी, नई नवेली दुल्हन अपनी नई नवेली पत्नी के साथ राय मिलाकर जम्मू वैष्णो माँ का दर्शन करने के लिए चल देते हैं। तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गई। मास्टर कवन तर्ज बा कोनो दुल्हन अपना दुल्हा से फरमाइश कर देला से सुखी जी आ कौना चीज के फरमाइश कहले वाला सुन कि राजा काला साड़ी लईहा। ए राजा जी, राजा काला साड़ी लईहा कमर में छुप जाए, राजा काला साड़ी लईहा। नैहर में पहिनी भौज हमारी बरजे, नैहर में पहिनी भौज हमारी बरजे, हो साड़ी ससुरा में, हो साड़ी ससुरा में पहिनी गोतनिया जरी जाए, राजा काला साड़ी लईहा। होत का बा रहली नवज समैया दिवस बाहर रविवार, रहली नवज समैया दिल्ली से, दिल्ली से जम्मू जम्मू दुन पाड़ी यही ले, दिल्ली से जम्मू जब तुम प्राणी आईले, हो कहले देवी दर्शनमा वे सपना साकार, रहला नवज समैया। अरे बाबू जम्मू कटरा से करीब 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर एगो शिव जी का बड़ा भव्य मंदिर पड़ेला जिसे लोग शिव खोड़ी के नाम से भी जानते हैं। जब लोग वैष्णो जी का दर्शन कर लेते हैं तो शिव खोड़ी का भी दर्शन करना चाहते हैं। दोनों प्राणी माता वैष्णो का दर्शन कर के अइलन तो सौरभ गुप्ता का पत्नी सौरभ से एगो बात कहली, का कहली तर्ज बदल गई। बड़ी पुरान तर्जबा लेकिन एकर लचक आज भी बा। कैसे कि अरे गवने गवने की रात दुखदाई हो, गवने की रात दुखदाई हो अब ही ले ना भूले, कहल का चाहते हैं। धनी गौर करा
ए सैया ए सैया दर्शन कराईदा, ए सैया दर्शन कराईदा, शिव खोड़ी के शिव के शिव खोड़ी धाम वाली बस रहली लागल, भक्त के शक्ति से मनाया ड्राइवर से, ड्राइवर से चला बतियाईला, ड्राइवर से चला बतियाईला, शिव खोड़ी के शिव के पत्नी सौरभ से कहली कि स्वामी माता वैष्णो जी का दर्शन तो हो गई, अब हमार इच्छा बा कि चल के शिव खोड़ी में शिव जी का भी दर्शन कर लिहल जाए। लोग देखलन कि शिव खोड़ जाए वाली बस लगल बा और ड्राइवर भी तैयार हुन जाए बदे, उनकर नाम बा विजय कुमार। बस में जब सब लोग सवार होके चल देले बा तो उस समय तर्ज लगल, कौन तर्ज बा लेकिन भाव बा कैसे, अरे भैल बयालीस, भैल बयालीस लोग सवार वही बसिया में, चलला लगावत जय जयकार वही बसिया में, चलला बयालीस लोग सवार वही बसिया में, अरे बाबू उ जवन बस लगल बा शिव खोड़ी जाए बदे ओमे 42 लोग सवार हो गईलन, और जब दर्शन करे बदे चलन तो जय जयकार लगावत हुवन भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ जय भोले भंडारी। लेकिन ड्राइवर विजय कुमार करत का हुवन, विजय कुमार ड्राइवर बस के चलावे हो, अरुण खलासी सब ही के बैठावे हो, वापस आइल आधी राम मझार वही बसिया में, वापस आइल आधी राम मझार वही बसिया में, भैल 42 लोग सवार वही बसिया में, आए बाबू सभी लोग बस में सवार हुए और शिव खोड़ी शिव जी के मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ का दर्शन कैलन, पर प्रसादी लहलन, प्रसादी खैलन और फिर उसी बस से वापस चल दिए। और जब आधी राहे अइलन तो भइल का तर्ज बा लेकिन भाव में कहना बा कैसे, भले आतंकी एकठे आइले समानवा, तबले आतंकी एकठे
अहिले सामानवा हो हथवा में लेके हकी यार हो बाबू पीच राह में बस रुकल तब तक एक आतंकवादी बस के घेर ले ले बा और भैल का विजय कुमार कहला केहू ना डरै बोलल बा खलासी और तेज से चलैहा गोलिया चलावे पापी साधी के निशानावा हो गोलिया चलावे पापी साधी के निशानावा हो ड्राइवर को मारा बदा कार हो बाबू जैसे ही आधे रास्ते बस आइल बा तो बीच रोड पर एक आतंकवादी मुंह ढकले बा और हाथों में हथियार लेकर लहराने लगा और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है कि गाड़ी रोक दो। तब तक ड्राइवर विजय कुमार सोचने लगा कि अगर बस रोक देंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपने गाड़ी की रफ्तार को विजय कुमार ड्राइवर और तेज कर लेता है। तब तक आतंकवादी सब सोचने लगे कि लगता है हमारी बात नहीं मानेगा। ड्राइवर को निशाने पर लेकर और विजय कुमार के खोपड़ी पर गोली दाग देता है। जब गोली दाग देता है विजय कुमार बेचारा खून से लथपथ बेहोश होकर बस में गिरने लगता है। तब तक उस बस का खलासी ओ वही उसका दिमाग काम करने लगा और ओ गाड़ी को संभालने लगता है। लेकिन फिर भी उन हरामजादों ने किया क्या कि उस खलासी को भी गोली मार दिया। तो हुआ क्या टेरी की लाइन में कहना बा अवनी अंबर में छाई लाली माँ सावरी हो अवनी अंबर में छाई लाली माँ खोकर संतुलन बस गिरी है गहरी खाई खोकर संतुलन बस गिरी है गहरी खाई अवनी अंबर में छाई लालिमा। अरे बाबू ड्राइवर और खलासी दोनों को गोली लग जाती है। जब दोनों को गोली लग जाती है तो बस का संतुलन बिगड़ने लगता है और बस रोड से करीब 100 फीट गहरे खाई में जाके गिर जाती है। लेकिन इसके बाद फिर हरामजादों ने किया क्या उनको तनिक भी दया नहीं आई। क्या किए पहपट की लाइन में कहना बा कियरा शपथ ग्रहण में कियरा शपथ ग्रहण में एक बोर बटे मिठाई आफत आइल बा। अरे शपथ ग्रहण में एक बोर बटे मिठाई आफत आइल बा आ एक बोर पापी गोली रहे चलाई आफत आइल बा ग्रहण में एक और बटे मिठाई आफत आइल बा एक और पापी गोली रहे चलाई
आफत आइल बा। अरे बाबू हुआ क्या कि 20 मिनट तक लाचार लोगवन पर गोली बरसवले हो, आ 15 लोग मौके पर देखा आपने जान गवले हो। अरे आधा घंटा में पुलिस है आई आफत आइल बा। अरे आधा घंटा में पुलिस है आइल आफत आइल बा। अजे बा घायल अस्पताल पहुंचाई आफत आइल बा। अरे बाबू एक तरफ शपथ समारोह चल रहा था, मोदी जी की सभा में मिठाई बट रही थी, लोग मिठाई का जलपान का लुप्त उठा रहे थे। दूसरी तरफ जम्मू में आतंकवादी प्रलय ढा रहे थे। एक बात मैं और बता दूं मित्रों कि पनौती शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन जब जब भाजपा सत्ता में आती है तब तब कुदरती प्रकोप बढ़ जाती है। हमारे कवि जी लिखे हैं और कहते हैं कि जब जब देशवा में भाजपा का राज भइल बा, तब तब ना जाने कहे कुदरत नाराज भइल बा। इस आतंकी हमले पर आखिर सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्यों चुप्पी साधे है? कुछ तो कहना चाहिए। तो कहना है क्या? आल्हा में प्रमाण मिला। आखिर उन सच्चे सपूतों शहीदों के लिए अपने देश के लोगों का कहना है क्या कि हाय राम कहिया ले फूल हम, ए बाबू कहिया ले फूल हम सा हीदन पर चढ़े भैया। हद से भी ज्यादा सहल गुलामी कहा लाय भैया। मुल्क ही पड़ोसी हो हरामी बा हमार, सौरभ गुप्ता का गईला मौके पर पलरवा बाबू। अरे बाबू सौरभ गुप्ता की तो मौके पर ही मौत हो गई, घायल दुल्हन बेचारी उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कितने लोगों की उस बस हादसे में मौत हो गई। तो साथियों मैं कहना चाहती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब माननीय आदित्यनाथ योगी जी कहे थे कि अगर हमें 6 महीने का समय मिला तो हम पीओके को भारत में मिला देंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जनता ने आपके पार्टी को पूरा समय दिया, पूरा समर्थन भी दिया और आप पीओके की बात बाद में कीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। कौन सी बात? खड़ी की लाइन में कहना है पहले देश आतंकी से बचावा नेता जी कि अरे पहले पहले देश आतंकी से बचावा नेता जी, अरे पहले देश
अपने पूरे देशवासियों की बस यही आवाज है कि पहले देश आतंकिन से बचावा नेताजी, ओकरे बाद पीओ के भारत में मिलावा नेताजी। एक बात और सुना, कहाँ कहले बा कि अरे शपथ समारोह में मगन बा सरकार हो, करेला आतंकी गोलियन का बम छार हो। आतंकी पर बुलडोजर खूब चलावा नेताजी, अरे आतंकी पर बुलडोजर खूब चलावा नेताजी, ओके बाद पियो के भारत में मिलावा नेताजी। काम चली आतंकिन पर बुलडोजर चलावा तब पीओके के भारत में मिलावा। लेकिन लास्ट लाइन में कहना है क्या कि गुरु बिहारी गुरु गणेश, कि गुरु बिहारी गुरु गणेश जन्नत से है संदेश, आ कभी चंद्रिका रामदेव खतरे में भारत दे। सुषमा सुबेदार श्रद्धा के फूल चढ़ाई।